एवरी वन वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू वीडियो सो वेल गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीवो वी ट्वेंटी नाइन के डिवाइस के अंदर जो कि कैमराज के रिलेटेड आपको फीचर्स बताने वाला हूँ ए टू जेड गाइड देने वाला हूँ ठीक है आप लोग कैमराज को कैसे यूज कर सकते हो और कैमराज के फीचर्स को आप कैसे इनिबल कर सकते हो बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये सब फ़ीचर्स को आपको कैसे यूज़ करना है और आप जो कि इसे यूज़ करके आप एक बेटर वे से कैमरा को फ़ोटो क्लिक और वीडियोस वगैरह आप ले सकते हो तो ये सब कैसे करना है इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो को स्टार्ट से लेकर इंड तक देखिएगा चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारा कमेंट आ रहा था मुझे कि आप जो कि प्रॉपर वे से वीडियो नहीं बनाते हो प्रॉपर वे से अच्छे से समझाते नहीं हो गाइड नहीं करते हो बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और नहीं भी करते हो कोई इशू नहीं है लेकिन आप नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आप करते भी हो तो आप मेरे वीडियोस को पूरा नहीं देखते हो ठीक है जिसके कारण आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है और बाद में मुझे ये कमेंट आप करते हो कि आप जो कि वीडियो में अच्छे तरीके से समझा नहीं पाते हो मतलब कि सम, समझ नहीं आता आपके वीडियो में ठीक है तो बहुत लोगों के भाई से रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बेलाइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे टेक्निकल चैनल्स के टेक्निकल वीडियोस के रिगार्डिंग आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेगी तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा अगर आप लोगों के पास वीवो का फ़ोन है वीवो वी जो कि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है ठीक है वी सीरीज़ का फ़ोन तो ये मैंने परचेस किया था और आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिली होगी थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा डी वीडियोज जो होगी थोड़ा डिले आता है क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग भी चैनल है और मैं रिसेंटली वर्क भी करता हूँ ठीक है तो इसके रिलेटेड मैं वीडियोज़ बना नहीं पाता हूँ बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ठीक है आप लोग एक लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा उसके बाद आपको कैमरास को ओपन कर देना जैसे ही आप कैमरास को ओपन करते हो तो मैं पूरी सेटिंग्स बताने वाला पहले ध्यान रखिएगा ठीक है तो सबसे पहले यहाँ फ्रेम साइज देख सकते हो मैं सबसे पहले फ्रेम साइज आपको बताने चाहता हूँ ठीक है ये फ्रेम साइज जो देख रहे हो ये आधा है ठीक है मतलब ये हाफ स्क्रीन है अगर आप इसे फ्रेम साइज को पूरा करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो तो फुल का एक ऑप्शन होगा ठीक है फुल पे कर सकते हो अगर आपको छोटा है, बहुत कोई -को मन करता है कि छोटा पे उनको रखना है वन पॉइंट वन कर सकते हो फोन पॉइंट थ्री कर सकते हो सिक्सटीन पॉइंट नाइन कर सकते हो फुल में कर सकते हो फुल में भी कर सकते हो बट फुल में करने से एक फायदा क्या होता है कि आपकी जो डिस्प्ले जो देख सकते हो डिस्प्ले कितनी खूबसूरत लग रही है एक यूनिक तरीके से आप फोटो क्लिक कर सकते हो सपोज देख सकते हो मैं एक फ़ोटो क्लिक किया ठीक है फ़ोटो क्लिक करके कर कर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो फ्रेम साइज़ है ना वो बड़ी हो जाएगी ठीक है जिससे आपको क्रॉप करके कर आप फेसबुक इंस्टा में अपलोड करते हो तो इसको एडिट करके आपको करना पड़ेगा ठीक है अपलोड अगर आप इसे छोटा कर देते हो सपोज़ आप सिक्सटीन पॉइंट पे करते हो तो ये एक मीडियम साइज के सेगमेंट में फोटो क्लिक करके आपको देगी देख सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है देख सकते हो एक मीडियम साइज में फोटो क्लिक करके देगी ताकि आपको हल्का सा भी क्रोप करना पड़ेगा तो आप एडजस्ट कर, करके अपना यूट्यूब या फिर आप जो कि है इंस्टा में पोस्ट कर सकते हो ठीक है ये रहा फ्रेमिंग से रिलेटेड जानकारी ठीक है और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन लाइन्स लेवल स्टेबलाइजेशन इफेक्ट वाटर मार्क मोशन ऑटो तो ये सब बाद में समझेंगे पहले अब हम आ जाते हैं स्टार्टिंग नाइट मोड में ठीक है नाइट मोड का फीचर्स कब यूज़ करते हैं हम लोग आप लोग को बेसिकली पता ही होगा कि नाइट मतलब रात होता है नाइट में ही यूज़ करते हैं और ये देख सकते हो यहाँ पर आप ओ, जो कि है इसे पोर्ट्रेट मोड में भी यूज कर सकते हो वन एक्स में भी कर सकते हो टू एक्स में भी कर सकते हो ठीक है ये बेसिकली नाइट में ही यूज़ होता है और नाइट में यूज़ करने से आपको इसमें जो कि बेटर एक्सपीरियंस के साथ बेटर जो कि है आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अगर नाइट में यूज करते हो तो ठीक है तो ये देख सकते हो अगर नाइट में आप सेलेक्ट करते हो तो अब मैंने जैसे नीचे आपको बता दिया अब ऊपर आप देख सकते हो ठीक है ऊपर की तरफ आपको चार ऑप्शन दिखेंगे ठीक है एक दिखेगा कैमरा ठीक है ट्राइपो डिटेक्टेड दूसरा मिलेगा आपको पैरानोमिक आप, नाइट अगर आप इसे इनेबल करते हो यूज करते हो तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बेटर तरीके से आपको फोटो क्लिक करके दे देगी आपको रोटेट स्लिप करना है फोन ठीक है जैसे आप प्रोडेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिक से डिटेक्ट हो जाएगा ठीक है अब आ जाते हैं हमारे ये सुपर मून एस्ट्रो और ऑफ ये ऑफ है अभी सुपर मून में जैसे ही करते हैं तो ये जो फ़ोन है वो सुपर मून को डिटेक्ट करता है जैसे आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा जैसे कि आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा वीडियोस में देखा होगा बहुत लोगों ने बनाया होगा सुपर मून तो मैं भी बनाऊंगा इसे नाइट में यूज़ करना है बट ये छोटा सा मैं बता रहा हूँ ये सेटिंग्स को मैं बाद में बताऊँगा आपको यूज़ कैसे करना है ठीक है आप देख सकते हो टेन एक्स एंड ट्वेंटी एक्स तक आप इसे यूज कर सकते हो इस ठीक है अभी फाइव एक्स में ये है तो ये है सेटिंग आपका सुपर नाइट का और एस्ट्रो एस्ट्रो भी सेम है ठीक है एस्ट्रो भी सेम है जैसे आप यूज़ करते हो ठीक है ये रहा हमारा कुछ सेटिंग्स नाइट्स के रिलेटेड ठीक है? है अब इसे ऑफ कर देते हैं अब दूसरे सेटिंग आता है पोर्ट्रेट मोड में पोर्ट्रेट मोड में।, में आप हम कब यूज़ करते हैं जब पीछे की बैकग्राउंड को हम लोगों को ब्लर करना होता है मैं दो चार पिक्चर्स अपलोड कर दूंगा आप देख लीजिएगा ठीक है वो मेरा ही फोटो रहेगा तो मैं इसे यूज करता हूं ठीक है और ये बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस मुझे मिला है इसे यूज करने के बाद अगर आप ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर एच और एक राइट ठीक है इसे आपको ऑफ कर देना और एक ऑप्शन उप, मिलेगा एच डी पोर्ट्रेट मोड अगर आप इसे यूज करते हो एच डी पोर्ट्रेट मोड तो आपकी फोटो की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त आएगी ठीक है थीके? ये रहा आपका पोर्ट्रेट और फोटोज में जैसे ही चले जाते हैं तो फोटोज में आपको नॉर्मली फोटो जैसे क्लिक करते हैं वैसे करना होगा पोर्ट्रेट में करना चाहते हो पोर्ट्रेट में कर सकते हो ठीक है नीचे कर सकते हो एस डी आर फ्लैश आप ये फ्लैश का एक मैं आपको बताता हूँ ठीक है और लाइट जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था कि ये यूज होता है फोटो में यूज करने से देख सकते हो ये जो आपको दिखता होगा ना ये जो लाइट है ये और लाइट है मैं इसे एनीवल करके दिखाता हूँ देख सकते हो मैं एनीवल करके दिखाता हूँ और लाइट देखिए ये ओरा लाइट है जो और लाइट है ये अनिबल हो चुका है जैसे कि देख सकते हो अभी तो ये पता नहीं चल रहा बट ये नाइट में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये जो लाइट है वो ब्लिंग हो चुका है और इसे आप कलर भी चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो कि कलर भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ठीक है देख सकते हो कलर चेंज हो रहा ठीक है गाइज ये है सेटिंग्स आप इसे ऑन ऑफ कर देते हो ठीक है अब हम आ जाते हैं इसमें कलर ऑप्शंस में जैसे ही आप कलर ऑप्शन करते हो तो नेचर कलर आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो जिस कलर की आपकी बैकग्राउंड है सेम टू सेम वो कलर की आपकी फोटोज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब आ जाते हैं वीडियोज पे ठीक है वीडियोज पे आने के बाद मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन यह जाता है कि स्टेबलाइजेशन ठीक है स्टेबलाइजेशन देख सकते हो आपको अगर स्टेबलाइजेशन करना है तो आपको सेवन ट्वेंटी फोर के थर्टी पी एफ सिक्सटी पी एफ सबसे बेटर क्वालिटी आपको हंड्रेड एटीपी एंड सिक्सटी पी आपको देखने को मिलेगा यानी ये एक जरा सा लैक नहीं करेगा देख सकते हो ठीक है मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर आप सेवन सेवेंटी भी करते हो तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगी ठीक है अगर आप सिक्सटी भी करते हो तो सिक्सटी में भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी देख सकते हो स्टेबल देख सकते हो आप वीडियो स्टेबलाइजेशन इस है इसे आप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो ग्राफिक को और भी अच्छे इम्प्रूव करने में ठीक है अब आ जाते हैं माइक्रो मूवी माइक्रो मूवी क्या है माइक्रो मूवी में आप यहाँ से फिल्टर यूज़ करके आप माइक्रो मूवी लगा सकते हो और मोर में चले जाते हैं तो मोर में ज़्यादा बेसिक चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी हाई रेवोल्यूशन पैनो डॉक्यूमेंट स्लो मोशन सुपर मून एस्ट्रो प्रो ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलेगा बट ये सब वीडियोस मैं बाद में बना दूंगा आज के वीडियोस में बस इतना ही बताना था और अगर आपको फोन को कैमरा कैमराज अगर आपके ठीक नहीं आ रहे तो आपको सेटिंग्स में जाना है ठीक है सिंपली से आपको बैक चले जाना है ठीक फोटोज़ में जाना है ठीक है सपोज आपका फोटोज़ अच्छा नहीं आ रहा ठीक है तो आपको सेटिंग्स में चले जाना मोर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख सकते री स्टार्ट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा ना तो आपको री स्टार्ट को सेलेक्ट कर देना री स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आपका फ़ोन न्यू में था वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पर दिखने लगेगा तो ये रहा छोटा सा सेटिंग्स वीवो वी ट्वेंटी नाइन के डिवाइस में आप लोगों को कैमरास को कैसे यूज़ करना है छोटा सा गाइड में दिया आप इस वीडियो को ज़रा से ज़रा अच्छे से देखिएगा बहुत सारे सेटिंग्स मैंने समझाया है उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में तक और कुछ और खास वीडियोज़ को लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मैं चैनल को देखें चैनल पर को सब्सक्राइब करें वीडियोज को लाइक करें अपने भाई को सपोर्ट करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर बाय बाय